Hello, good morning to all of you. I believe you are all fine at your home. My dear friends, we have already discussed this chapter in previous days. But today, we will discuss this chapter with the new concept. We have no knowledge about this chapter the local government. What do you know about local government? इन सिंपल मीनिंग यू कैन से टर्म लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन द गवर्नमेंट बाई फ्रीली इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ विच आर इंडोल्ड विद द पावर कि जो बॉडी लोकल गवर्नमेंट जो लोकल एरिया के लोगों द्वारा इलेक्ट की जाती है दिस एज ए लोकल गवर्नमेंट ये वो बॉडी है जो लोगों द्वारा अपने फ्रीली पावर्स के लिए इलेक्ट की जाती है लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या है इसकी जो लोकल बॉडी है हमारी वॉट इज द स्ट्रक्चर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द सिस्टम और पैटर्न ऑफ डिलेक्टिंग पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोअर इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से वन द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव द पावर टू द लोकल बॉडी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोकल बॉडी को पावर देती है किसके लिए टू मैंटेन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन टू मैंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड मे के पावर ऑन द पीपल के लोगों के ऊपर अपनी शक्ति बनाए रखना और लोगों के ऊपर क्या करना कानून बनाना ये कौन देता है लोकल बॉडी का पावर ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है देर आर टू फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नेम ली द सिंगल टायर एंड द मल्टी टायर ये एक तरफ भी हो सकती है और कई टाइप्स की भी हो सकती है फर्स्टली पंचायत राज सिस्टम विच सिस्टम डिवेल्प इन द विलेज जिला परिषद जिला परिषद इज द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन द स्टेट पंचायत समिति पंचायत समिति इज नोन एज ए विलेज समिति नया पंचायत नया पंचायत वी कैन से नया पंचायत लोक अदालत इन सिंपल लैंग्वेज कैन से नया पंचायत लोक अदालत व्हिच गिव जस्टिस इन द वलेज पीपल के जो विलेज के लोगों को जस्टिस देती है उसे क्या कहते हैं नया पंचायत कहते हैं या न्याय पंचायत लोक अदालत म्यूनसपल कॉरपोरेशन दीज एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी सेटअप इन बिग मेट्रोपोलिटन एरिया के या बड़े शहरों के अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन रूप के अंदर सेटअप की जाती है उसको क्या कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं दीज का दीज ऑल टाइप्स ऑफ कंसेप्ट मेक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये क्या करते हैं एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाते हैं आई वॉन्ट टू क्लियर हेयर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पंचायती राज जिला परिषद पंचायत समिति नया पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो पंचायत समिति और पंचायती राज का हेड होता है वो किसके द्वारा जाना जाता है नॉन एज ए सरपंच तो वो सरपंच के नाम से जाना जाता है जो म्यूनिसपल कॉरपोरेशन का हेड होता है नॉन एज ए मेयर जो जिला परिषद का हेड होता है वो किसके द्वारा जाना जाता है वो हमारा डीसी जो डिप्टी कमिश्नर होता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है नॉन एज ए जिला परिषद प्रेसिडेंट वी विल नॉट रीड एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर इफ़ वी नॉट डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिलेटेड टू दिस चैप्टर लेट्स कम टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया रेफर्स टू गवर्नमेंटल बिलो द लेवल ऑफ द स्टेट दिस बॉडी इज अ माइनर बॉडी इन द स्टेट स्टेट के अंदर ये एक छोटी सी बॉडी होती है विच अडोप्ट बाय द लोकल पीपल के जो लोग जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ के लोकल लोग होते हैं ये वहाँ के नेबर्स नेबरज पीपल्स होते हैं ये उनके द्वारा ही अपनाई जाती है स्टेट के अंदर रहते हुए स्टेट होल्ड ऑल एक्टिविटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो कमांड करती है सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज पास्ड सेवनटी थर्ड अमेंडमेंट और सेवनटी फोर अमेंडमेंट इन दिस अमेंडमेंट जो सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट है वो किसको रेफर करती है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सेटी फोर अमेंडमेंट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन टर्म रेफर टू द म्युनिस्िपल कॉर्पोरेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन रिमेंबर माई डियर फ्रेंड्स आई विल आई रिपीट अगेन आई रिपीट थर्ड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एंड सेवंटी फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रेफरस टू दरब रूरल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है ये उसको क्या करती है होल्ड करती है कौन सी सेवेंटी फोर अमेंडमेंट इसके अंदर क्या है पूरे के पूरे जो हमारे अर्बन एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होते हैं उनके सारे काम इसके अंदर ही मैंशन किए जाते हैं ये सारी अमेंडमेंट्स जो हैं दोनों अमेंडमेंट किसके लिए बनाई जाती हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ही बनाई जाती हैं इन अवर इंडिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ए थ्री टैपस फर्स्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड थर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगेन डिवाइड इनटू टू टू टैपस इन रूरल एरिया और इन अर्बन एरिया इन रूरल एरिया नॉन एज ए पंचायत समिति और पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन, बट इन द अर्बन एरिया नॉन एज ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन तो ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ये इंडिया के अंदर स्टेट में है पहले स्टेट के अंदर फिर ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये दो हिस्सों के अंदर फिर डिवाइड हो जाता है विलेज के अंदर जो होता है वो पंचायत समिति वहाँ काम करती है शहरों के अंदर होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल काम करता है ये तो था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन के अंदर जो थर्ड सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट है ये नाइन्टी '92 के अंदर पास हुआ था उस टाइम जो हमारी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये पास किया था फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरिया कि जो रूरल एरिया की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी डेवलपमेंट हो सके बट हाउ कैसे जो नरसिम्हा राव की उस टाइम की गवर्नमेंट थी दे गिव द फ्री पॉलिसी टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उन्होंने लोकल सेल्फ की जो गवर्नमेंट थी उनको बहुत सी फ्री पॉलिसीज दी थी तो अपलिफ्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स हु लिव्स इन द रूरल एरिया के जो रूरल एरिया के अंदर ह्यूमन बींग्स है जो पॉपुलेशन अपने आप को क्या कहते हैं सेटल करती है उसको अपलिफ्ट करना उसकी बेटर डिवेलपमेंट करना उसको फैसिलिटी देना ये हमारे रूरल एरिया के अंदर किसके अंदर आता है सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट पास रही नाइनटीन नाइन्टी टू के अंदर दैट टाइम वॉज द नरसिम्हाव गवर्नमेंट ये कब हुआ था ये उस टाइम तो पास हुआ बट फोर्स के अंदर कब आया ये इम्प्लीमेंट होने के बाद कब आए अप्रैल ट्वेंटी फोर इन नाइनटीन ये अप्रैल चौबीस नाइन्टीन के अंदर ये कहाँ पे है फोर्स के अंदर है ये मतलब इंप्लीमेंट हुआ पास तो हो गया था ये 1992 के अंदर बट इम्प्लीमेंट कब हुआ ये नाइन्टी थ्री के अंदर इट वॉज मेन टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन सनेक्शन टू इस डेमोक्रेसी एट द ग्रॉस रूट लेवल एज इट इज द स्टेट लेवल और नेशनल लेवल कि इन्होंने फिर ग्रॉस रूट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको शनेक्शन दी थी उनको पावर दी थी कि वो क्या कर सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकती हैं इन द रूरल एरिया के अंदर माई डियर मैं प्रीवियस लेक्चर यू हैव क्लियर ऑल द कन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर के जो हमारी विलेज और अर्बन एरिया की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में आप लोग इसके सारे कन्सेप्ट क्लियर चेक कर चुके हो पिछले हमारे लेक्चर के अंदर व्हाट वी विल अगेन क्लियर सम मेजर कन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर लेट्स कम टू द न्यू कंसेप्ट विलेज वर्किंग बॉडी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेंबर आई विल रिपीट जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है इट्स डिवाइडेड इनटू टू टायर्स फर्स्ट रूरल एरिया एंड सेकंड अर्बन एरिया रूरल एरिया उसके अंदर कौन सा आता है पंचायत समिति नगर पंचायत और ब्लॉक समिति जो हमारा विले, अर्बन एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर पहले हमारे आते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कमेटी म्यूनसिपल काउंसिल्स ये हमारे आ जाते हैं अब, अब बात करेंगे हम विलेज वर्किंग बॉडी की विलेज के अंदर कौन सी जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होता है वो क्या कैसे होता है इन सेवेंटी थर्ड अमेंटमेंट वेन द पास सेवनटी थर्ड अमेंटमेंट आर स्टेट्स नो हैव ए यूनिफॉर्म थ्री टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर्स क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर जो थ्री टायर्स मीन तीन टाइप्स का पंचायती राज स्ट्रक्चर बना फर्स्ट ई ग्राम पंचायत एट द बॉटम लेवल सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत वट डू यू नो अबाउट ग्राम पंचायत आई वॉन्ट टू क्लियर दिस कंसेप्ट ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत क्या होता है एट द बोटन लेवल सबसे पहली हमारी वर्किंग बॉडी होती है इन द विलेज लेवल ग्राम पंचायत टैम रेफर टू द मेंबर लिव इन द विलेज अब अब एटीन और एटीन ईयर्स ओल्ड के जो बंदे पिंड के अंदर रहते हैं जिनकी उम्र अठारह साल या अठारह साल से ऊपर होती है वी इन बी द मेम्बर ऑफ ग्राम पंचायत तो वो क्या करते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर बनते हैं कौन ओज मेंबर 18 और अब अब एटीन ईयर्स ओल्ड के जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर हो जाती है वो क्या कहलाते हैं मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत ये हमारी बॉटम लेवल की क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होते हैं फर्दर दे इलेक्ट देर ऑन रिप्रजेंटेट बाई द बोटिंग सिस्टम फिर वो क्या करते हैं बोटिंग सिस्टम के द्वारा अपने रिप्रजेंटेटिव इलेक्टेड करते हैं विच इज़ नोन एज पंच और सरपंच फिर वो किसके नाम से जाने जाते हैं सरपंच और पंच के नाम से जाने जाते हैं जो ग्राम पंचायत के मेंबर इलेक्टेड करते हैं द वोटिंग सिस्टम नेक्स्ट मंडल मंडल आल्सो नोन एज ब्लॉक और तालुका क्या होता है ब्लॉक और तालुका होता है जो मंडल होते हैं मीन्स एक विलेज का ब्लॉक या एक तालुका जो एक पिंड का रीजन का एक एरिया होता है उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं जितने पंचायत समिति के मेंबर्स काम करते हैं वो सारे के सारे के मंडल के रूप में ही जाने जाते हैं नेक्स्ट जिला पंचायत जिला पंचायत इज़ द लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग बॉडी ये कौन सी है एट द टॉप लेवल टॉप लेवल मीन्स कि ऑल पंचायत समितिस वर्किंग अंडर जिला पंचायत के पूरे के पूरे दस या बारह विलेज़स की जो सर पंचायत समितिस होती हैं दे कोलेबरेट एंड रिस्पॉन्सिबल टू द जिला पंचायत वो सारी की सारी जिला पंचायत को ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं बिकॉज़ जिला पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन एट द टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के ये हमारा टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबसे लास्ट इसके बाद फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है ज़िला पंचायत का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बाद जिला पंचायत कमांड द ऑल विलेज पंचायत समिति जो जिला पंचायत होती है हमारी ये कमांड करती हैं सारे पिंडों की या सारे विलेजेस की पंचायत समिति को नेक्स्ट वी विल डिस्कस अर्बन एरिया वर्किंग बॉडी दिस इज विलेज वर्किंग बॉडी नेक्स्ट अर्बन वर्किंग बॉडी अर्बन एरिया वर्किंग बॉडी वी कैन से जो शहरों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन काम करते हैं दिस इज नॉन एज ए अर्बन एरिया वर्किंग बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर क्या कहता है काम कर जैसे सेकेंड नेम इज़ द नगर निगम नेक्स्ट इज नगर पालिका आल्सो कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल नगर पालिका क्या होती है नगर पालिका विच एरिया क्या होता है डिवेल्पिंग इन टू द सिटीज़ नगर पालिका उसको कहते हैं कि जो एरिया सिटीज़ के अंदर अभी डिवेल्पिंग कर रहा है अपने आप को उसके अंदर क्या होता है एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होता है बाय द पीपल नॉन एज एम सी एम सी के रूप के अंदर उसको क्या होता है एक रिप्रेजेंटेटिव मिलता है फिर नेक्स्ट होता है नगर पंचायत टाउन एरिया नगर पंचायत ऑल ऑल सिटीज़ की एक कलेक्टिव पंचायत जिसे हम कहते हैं टाउन एरिया नगर पंचायत ये तो था बच्चों हमारा नगर या हमारा एक अर्बन एरिया का वर्किंग बॉडी नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव सो मैनी फंक्शंस रिलेटेड टू विलेज और अरबन एरिया वट वी वील वट वी हेयर वी वील डिस्कस द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अर्बन एरिया और रूरल एरिया फर्स्टली फंक्शन ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इट इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। फर्स्ट ओबलीगेट्री और सैकेंड डिस्क्रिशनरी। मीन ओबलीगेट्री टर्म रेफर टू द विच फंक्शन इज कंपल्सरी जो काम एडमिनिस्ट्रेशन के कंपल्सरी होते हैं इट्स नॉन एज ए एब्लीगेटरी सेकेंड इज़ ए डिस्क्रिशनरी विच फंक्शन इज वॉलंटियर और नॉन वॉलंटियर मीन्स कि जो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी की कि अगर वो चाहे कर भी सकती हैं अदरवाइज वो उसको चाहे तो नहीं भी कर सकती रिमेंबर माई स्टूडेंट्स डिस्क्रिशनरी फंक्शन अगर कोई भी गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट नहीं भी करती है तो उसको कौन कर देता है कोई हमारी एन जी ओ स जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो छोटे छोटे क्या होते हैं हमारे समाज संस्थाएं बनी होती हैं वो क्या होती हैं हमारी डिस्क्रिशनरी फंक्शन को कर देती हैं अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं करती सेकंड होता है हमारा फिर ओब्लिकेटरी जो लाजमी होती हैं अगर हम नहीं भी करेंगे या हमारी लोकल गवर्नमेंट नहीं भी करेगी तो हम उसको नहीं कर सकते वो सिर्फ उसी का काम है करना बिकॉज दिस फंक्शंस केम इनटू अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल बॉडी या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फर्स्टली वील डिस्कस ओबलीगेटरी फंक्शन सप्लाई ऑफ प्योर एंड होल्ड सम वाटर्स ये फर्स्टली हमारा काम नहीं है ये ये हमें कौन प्रोवाइड कराता है हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो गवर्नमेंट होती है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स इट इज नॉट ए प्राइवेट फंक्शंस इट इज़ ए गवर्नमेंट फंक्शन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ये सारे के सारे गवर्नमेंट को ही संबंधित होते हैं ये सारे काम जो सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है व्यू कैन नॉट डो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हम ऐसी एक्टिविटी को नहीं कर सकते लाइटनिंग एंड वाटरिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स पब्लिक जो स्ट्रीट्स होती हैं हमारी गली मोहल्ले होती हैं उसके ऊपर लाइट वगैरह लगाना और पानी की सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करवाना क्लीनिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स प्लेसेस एंड सीवरस रेगोलेशन ऑफ ऑफेंसिव डेंजरस और ओबर ट्रेड्स एंड कॉलिंग्स और प्रैक्टाइस ये सारे के सारे हमारे क्या काम्स होते हैं रिलेटेड टू द गवर्नमेंट नेक्स्ट मेंटेनेंस और सपोर्ट ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स वी कैन नॉट मेंटेन ए पब्लिक हॉस्पिटल इफ़ यू कैन मेक इट्स नोन एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन नोन एज ए पब्लिक हॉस्पिटल अंडरस्टूड ये हमारे सिर्फ क्या करते हैं ऑब्लिगेटरी फंक्शन के अंदर ही जाते हैं कि लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाना या उनको बेटर फैसिलिटी देना विद रिलेटेड टू द हेल्थ नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल्स के पिंडों के अंदर छोटे स्कूल जो हैं प्राइमरी स्कूल वो क्या करवाना सेटअप करवाना ताकि जो उस टाइम विलेज के अंदर पोअर पीपल हैं जो पोअर पीपल्स हैं दे कैन नॉट गेट अ हायर स्टडी फ्रॉम द सिटीज़ वो शहरों के अंदर अच्छी स्टडी नहीं हासिल कर सकती तो उनको पिंड के अंदर एक छोटे स्कूल प्रोवाइड करवाना रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्स एंड डेस्क ये किसका काम है ये हमारी ओब्लीगेटरी फंक्शन के अंदर आता है ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड to the rural एरिया एंड रिलेटेड to the urban एरिया कैन मेंटेन सच टाइप ऑफ फंक्शंस ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो होते हैं रजिस्ट्रेशन जो होती है ये हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है नॉट ए एनी सिंगल और प्राइवेट पर्सन नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी फंक्शंस डिस्क्रप्शनरी फंक्शंस यू हैव नो वेरी वेल विच रिलेटेड टू द ऑन सेल्फ जो हमारी इच्छे के ऊपर क्या करते हैं डिपेंडेंट ऑन द सेल्फ कि जो हमारी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं फर्स्ट लेंग आउट ऑफ एरियाज़ के इसके अंदर आता है लेंग आउट ऑफ एरियाज जगह की मिनती वगैरह या जगह की सामभ संभाल सिक्योरिंग और रिमूवल ऑफ डेंजरस बिल्डिंग और प्लेसेस कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिल्डिंग्स जैद सी होती हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट या तो उनको गिरा कर नमी कंस्ट्रक्ट करवा सकती हैं न्यू कंस्ट्रक्ट करवा सकती हैं अदरवाइज़ वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देती दे लीव एज़ इट कि वो उनको ऐसे ही छोड़ देती है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स गार्डन्स लाइब्रेरी म्यूजियम रेस्ट हाउसेस है लेबर होम्स अर्पन्स एंड रेस्क्यू होम्स फॉर वुमेन ये अगर हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो गवर्नमेंट है इफ़ दे नो सच टाइप कंड ऑफ एक्टिविटी वो अगर ऐसे टाइप की एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करती तो दूसरी एन जी होती हैं जो प्राइवेट तौर के ऊपर अपने आप को सेटअप करती हैं तो वो कर सकती हैं ऐसे कामों को इसके ऊपर कोई भी हमारी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है ये कोई भी दूसरा बंदा भी इसके ऊपर काम कर सकता है जैसे कोई म्यूजियम बनाना लाइब्रेरी बनानी या गार्डन वगैरह की मेंटेनेंस करना नेक्स्ट इस पब्लिक बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग जो लोगों के लिए रहायश हो जैसे कोई स्कूल वगैरह बनाना कोई लोगों के लिए आरामगा बनाना जिसे हम क्या कहते हैं कि धर्मशाला uh, वगैरह जो होती हैं वो बनाना ये हम भी बनवा सकते हैं प्राइवेट तौर के ऊपर भी और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर अपना क्या करती है अथॉरिटी रख सकती है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स दे आर बहुत डिस्क्रिशनरी और ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप्स इफ एनी वन हैज नो हाउस टू लिव सम गवर्नमेंट अ सिलेक्शन टू द सच है टाइप्स ऑफ हैं कि कुछ गवर्नमेंट्स उनको क्या करती हैं ऐसे लोगों को सनेक्शन देती हैं सब्सिडी के रूप में कि जिन लोगों के पास अपने हाउस नहीं होते इफ गवर्नमेंट कैन कैन हेल्पलेस कि इसके अंदर अगर गवर्नमेंट भी हेल्पलेस हो सकती है तो फिर कौन ऐसे लोगों को अपने हाउस प्रोवाइड करवाता है एन प्राइवेट पीपल्स जो लोग अपने आप को बहुत से पैसे वाले होते हैं या रिच फैमिलीज जो होती हैं वो दूसरे लोगों को ऐसे छोटे छोटे शल्ट बना के दे सकते हैं रहने के लिए कंडक्टिंग सर्विस के लोगों के सर्विस करना सर्वे करना लोगों के सर्वे कैसे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है लोग कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है पीपल इन्जॉय दे लाइफ्स कैसे वो अपने लाइफ को इंजॉय करते हैं अगर उनके पास कुछ इंजॉय लाइफ करने के लिए गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो वो प्रोवाइड करवाती हैं कौन करवा देती हैं प्रोवाइडर्स बोथ एजेंट्स गवर्नमेंट एजेंट्स और पब्लिक एजेंट्स या प्राइवेट एजेंट्स ये दोनों क्या कराते हैं प्रोवाइड करवा देते हैं जो किसके अंदर आता है डिस्क्रिपनरी फंक्शन के अंदर आता है आई होम माई डिस्टेंस यू हैव क्लियर ऑल सच टाइप ऑफ फंक्शंस नेक्स्ट टाइम वी विल मेड विद द न्यू कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर सो टूडे दैट्स ऑल थैंक्स लॉट बच्चिंग